लोग यह जानना चाहते हैं, हमने पिछले भी दिन बताया कहा था कि इस पर हम लोग पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए, नियोजित शिक्षक बने रहना और विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करना, ये दोनों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका, अलग अलग तरह का दोनों का टेस्ट है। अब आपको किसका टेस्ट पसंद है तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के हिसाब से वे तय करेंगे। हम साफ साफ बिना लाग लपेट के हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात है जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अब उसमें है कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो भी लोग गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इन्हें नए कार्य स्थल पर योगदान करना पड़ेगा, इनका स्थानांतरण होना तय है। अब इसमें जिनकी पोस्टिंग दूसरे जिलों में हुई है, तो मैं समझता हूं उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहेगा। हाँ, जिन साथियों की पोस्टिंग अपने घर के पास हो गई हो, जो पहले सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर थे और अब वो नजदीक में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक ही हम कहेंगे कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। स्थानांतरण के लिए अगर कोई नियोजित शिक्षक है, अब यह भी बात आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन हम लोगों का स्थानांतरण अगर होगा तो हमारा स्थानांतरण हमारे नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन ही होगा, इसलिए हमें बहुत दूर दराज को नहीं भेज पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को दूसरे जिले में जाने की नौबत होगी, तो स्थानांतरण के लिहाज से उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। उनको अभी जो वर्तमान में जो शिक्षकों के शोषण का जो दौर चल रहा है, इसमें वो परेशान परेशान हो जाएंगे। अब एक पैर वहां रहेगा, एक पैर अपने गांव और घर पर रहेगा, परिवार, बाल बच्चे, रिश्तेदार, समाज सबसे कट जाना पड़ेगा। तो स्थानांतरण के लिहाज से यह शिक्षक तय करें कि वे अपने घर के समीप अगर जा रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद है, अगर दूर दराज जाने की स्थिति है तो मैं समझता हूँ कि यह नुकसानदेह है विशेष शिक्षक। अब अगर हम बात करें कि प्रोन्नति की बात करें, तो एक बात साफ क्लियर कट जान लीजिए, हम बता देते हैं आपको, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलना है। और अभी पहले भी हम हाईकोर्ट से केस जीते हुए हैं, अभी अवमानना वाद चल रहा है, हमने मेंशन करवाया है और कोशिश हमारी है कि आपको जल्द प्रमोशन का लाभ मिले। तो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और यह तय है कि नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि अभी प्रधानाध्यापक के लिए फिर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब इस पर चर्चा हम आपको करेंगे अगले वीडियो में। प्रधानाध्यापक का क्या होगा ये परीक्षा के संबंध में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसका अलग से वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी जो बहाली होगी नहीं होगी हम क्लियर करेंगे बाद में, लेकिन अभी तत्काल जानिए कि प्रधानाध्यापक के पद पर हमारे प्रमोशन का जो एवेन्यू है, जिसको हाईकोर्ट ने फिर मोहर लगाया है, तो हमारा प्रमोशन होगा। अब यह भी सुनने में अटपटा लगेगा लोगों को कि भाई ये कैसी व्यवस्था है कि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय का जो शिक्षक है, जो राजकर्मी जिसको नहीं कर रहे हैं, वह हेडमास्टर होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा वो जो राजकर्मी होगा वो असिस्टेंट होगा। अभी तक तो हाईकोर्ट का फैसला यही हो रहा है, चूंकि विशिष्ट शिक्षक के नियमावली में प्रधानाध्यापक उसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नहीं बन सकते हैं, प्रमोशन का एवेन्यू नहीं है हेडमास्टर के पोस्ट पर। तो विशिष्ट शिक्षक आप चाहे भले ही बन जाइए राजकर्मी, रहना होगा आपको नियोजित शिक्षक हेडमास्टर के ही अधीन। तो ये चीज प्रोन्नति के लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि नियोजित शिक्षक के लिए प्रमोशन का जो दरवाजा खुला हुआ है वह बेहतर है। अब आइए बात कि और क्या लाभ मिल सकता है, तो ये चीज आपको बता दें कि कार्रवाई के हिसाब से, कि जो हुकूमत चलाने वाले अधिकारी हैं इसके हिसाब से, शिक्षा विभाग के अधीन आप चले गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो जिस समय चाहेगा मोगैम्बो, जिस समय में ये चाहेगा किम जोंग, उस समय आप पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जब तक आप नियोजित शिक्षक के रूप में है, तब तक किसी का किम जोंगी या किकरो ये मोगैम्बो गिरी नहीं चलेगा, वो नियोजन निकाय जो चाहेगी वही होगा। इसलिए नियोजन निकाय को बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इनके हाथ में नहीं है, उसको चिट्ठी जरूर लिखेंगे कार्रवाई कर दो,
लेकिन वो नियोजन इकाई को डायरेक्ट ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आइए कि और बेनिफिट में और क्या क्या हो सकता है, वेतन में क्या होगा, जाना जाता वेतन का क्या होगा। तो वेतन के मामले में विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देने के हिसाब से जो 2022 में छठे चरण में बहाल होकर के आए हैं उनको लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन लोगों की जो अभी सैलरी है उनका जो अभी बेसिक पे बन रहा है वह 22,000 के आसपास बन रहा है और इनको जब मिलेगा तो 25,000 से अधिक चले जाएंगे। तो इन लोगों को 3,000-3,500 रुपया इनके बेसिक में वृद्धि हो जाएगी, तो इनको 5,000-6,000 रुपया इनको ग्रॉस सैलरी में इजाफा हो जाएगा। तो जो 2022 में लोग आए हैं छठे चरण में उनको अगर विशिष्ट शिक्षक का मौका मिला है तो आपको अगर चाहिए तो 5,000-7,000 आपका वेतन बढ़ेगा, इसलिए इनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन पूर्व से जो लोग कार्यरत हैं, अब हम ही लोग हैं, तो अब हम लोगों को 30,000 से अधिक हम लोगों की बेसिक सैलरी है, 33,500 ही देंगे तो 300 रुपया तो हमारा बढ़ेगा, 320 रुपया बढ़ेगा, तो ये 200-300 रुपया हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, तो हमको क्या मिलेगा। तो 300 बढ़ाइएगा आप दूसरे जिला में भेज दीजिएगा तो 6,000 रुपया किराया में देना पड़ जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। अब रही बात और पैसे की, तो हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथी पहले से जो वेतन जितना पा रहे हैं, अगर विशिष्ट शिक्षक के पद पर आप योगदान करेंगे तो कैश इन हैंड आपका घट जाएगा। आप कहेगा भाई कैश इन हैंड कैसे घट जाएगा, तो जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपके वेतन से कटौती होगी 14%, और 14% की जो आपका जो 14% सरकार उसमें जो है कंट्रीब्यूट करेगी एनपीएस में, आप एनपीएस के दायरे में आएंगे, और आपका जो है 10% आपको आपकी कटौती होगी। तो पहले से अभी हम लोग ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हमारा 800 कट रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा 10% कटने लगेगा तो हमारी जो सैलरी है अभी 45,000 अगर हमारा वेतन अगर बन रहा है तो 4,500 हमारा कटेगा, तो निश्चित रूप से अभी हमारा 1,800 कट रहा था 4,500 कटना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा वेतन हमारा घट जाएगा, जो हमको कैश मिलता है कैश नहीं वो हमारा घट जाएगा, तो ये चीज होगा। अब रही बात और लाभ क्या हो सकता है, तो जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको लगता है कि हमको बहुत कुछ ज्यादा हासिल होने वाला है, तो क्या हासिल होगा, तो ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा। नियोजित शिक्षक को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं है, तो नियोजित शिक्षक साथियों आप निश्चिंत रहिए, ग्रेच्युटी दिलाना हमारी जवाबदारी है, ग्रेच्युटी हम आपको दिलाएंगे, ये किसी के कहने से कुछ नहीं चलेगा, ग्रेच्युटी के लिए हमने प्रयास कर दिया है, ईश्वर चाहेंगे तो बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाएगी, हम अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना था। तो आपको ग्रेच्युटी का लाभ उनको मिलता है तो आपको भी मिलेगा, हम दिलाएंगे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा, समूह जीवन बीमा का, उसमें उन लोगों का 50 रुपया मंथली कटता है और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। तो जैसे ही ग्रेच्युटी आपको मिलेगी तो ग्रेच्युटी का ही सेक्शन 4C GLI के लिए बाउंड करता है, तो वो भी मिलेगा आपको। प्रान नंबर खुलता है एनपीएस के लिए, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका प्रान नंबर जनरेट होगा, नियोजित शिक्षकों को प्रान नंबर जनरेट नहीं होता है क्योंकि हमारा UAN नंबर जनरेट होता है। तो यही है, और नए संवर्ग में जाने के कारण एक नुकसान हो सकता है कि आप जूनियर हो जाएंगे। देखिए इसमें कानूनी बातें बहुत सारी आएंगी, क्योंकि जब ये यूनिफाइड कैडर बन रहा है, जिला संवर्ग बन रहा है, एकल जिला संवर्ग बन रहा है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैडर जब बन रहा है, तो इस कैडर में जिस दिन से आप आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी सेवा उसी दिन से तकनीकी रूप से उसी दिन से काउंट होनी चाहिए, इसलिए आप वहां पर जूनियर होंगे, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से नियोजित शिक्षक भी सीनियर होंगे। तो ये स्थिति बन रही है, मैं समझता हूँ कुल मिला जुला करके बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने जा रहा है, जो नए लोग हैं उनको लाभ हो सकता है, और जिनका स्थानांतरण अपने घर के आसपास में हो रहा है उनको लाभ हो सकता है।